आज के वीडियो का टॉपिक है बाघा जतिन हिंदी ट्रेलर एंड बाघा जतिन का हिंदी प्रमोशन कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है। पहली बात तो मैं बात करूं अगर बाघा जतिन के ट्रेलर का, तो ट्रेलर के लिए सभी लोग एक्साइटेड हैं क्योंकि टीज़र और प्री टीज़र में जो चीज़ें हमें दिखी हैं उससे तो लग रहा है कि भाई कॉन्टेंट में दम है, बहुत ही लार्ज स्केल में शूटिंग हुई है एंड मूवी जो है वो ज़बरदस्त होने वाला है। तो अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये कि हिंदी में प्रमोशन का क्या अपडेट है एंड ट्रेलर कब आएगा। ट्रेलर का मैं आपको टाइम बता दे रहा हूँ, ट्रेलर जो है वो आपका आने वाला है इसी वीक के एंड में या फिर नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग 3 डेज में आ सकता है। ये आप लिख के ले लो, या तो इस वीक के एंड में आएगा वेडनेसडे के बाद या फिर आएगा नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में वेडनेसडे के पहले, उससे लेट नहीं जाने वाला। ज़्यादा से ज़्यादा लेट हुआ तो उस वीक के आखिरी तक आएगा लेकिन उससे ज़्यादा लेट नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं बाघा जतिन के प्रमोशन के बारे में। प्रमोशन बाघा जतिन का हिंदी में मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं हो रहा है। देव ने जो स्ट्रैटेजी यूज़ किया, उन्होंने फर्स्ट स्ट्रैटेजी यूज़ किया कि अपने जो ओल्ड मूवीज़ हैं उनको हिंदी में डब्ड करके रिलीज़ किया, जो कि प्रमोशन के ऊपर बहुत ही तगड़ा जो है एक इम्पैक्ट डालता है, जो कि जीत ने नहीं किया था। और जीत से मैं बोलूँगा देव को कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि देव प्रमोशन के मामले में क्या कर रहे हैं, वो बंगाल में ही प्रमोशन कर रहे हैं, अभी हिंदी प्रमोशन जो है मीडिया पे उसकी हल्ला नहीं हुई है। मुझे याद है जब चंगेज़ आई हुई थी, जो जितना भी हिंदी यूट्यूबर्स हैं वो सभी इसी की बात कर रहे थे और सबने जो है इस पर आँखें टिका कर बैठे हुए थे क्योंकि मीडिया हाउसेस इसके ऊपर बात कर रहे थे। अभी तो हिंदी में डिस्ट्रीब्यूटर कौन है बाघा जतिन का वो भी नहीं पता चला। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये तक नहीं पता कि ये जो हिंदी का प्रमोशन है वो कब होने वाला है, कैसा होने वाला है, देव कहाँ कहाँ विजिट करने वाले हैं। एक खबर अभी सुनने को आया कि मुंबई में इसकी रैली होने वाली है, तो उसका भी मतलब उतना अपडेट नहीं है। इसका प्रमोशन हिंदी में यूट्यूबर्स के थ्रू करवाया जा सकता था, क्योंकि भाई जो भी यूट्यूबर हैं जो मिलियन के नीचे हैं वो सभी आपको बुलाएंगे, आपको ज़रूर बुलाएंगे। अगर आप उनसे इंटरेक्शन करेंगे तो आपको बुलाएंगे, आप उनसे इंटरव्यू करिए, या फिर आप एक काम करो, सबसे बेस्ट है एक इवेंट रख दो, ट्रेलर लॉन्च इवेंट रख दो, मुंबई में रख दो आप, और मुंबई में ही आप सभी यूट्यूबर्स को बुला लो एंड वहाँ पे यूट्यूबर से आप क्वेश्चन करो, आंसर करो, एंड उसमें आप कुछ मीडिया हाउसेस को भी बुला लो, क्योंकि प्रमोशन के लिए अभी उतना भी देर नहीं हुआ है। बट यहाँ पे हमें ना कुछ अपडेट दे रहे हैं ना कुछ बता रहे हैं कि हिंदी में प्रमोशन क्या होगा। यार ये मूवी जो है ये चंगेज़ के मामले में मेरे लिए बहुत बड़ी मूवी है। अगर चंगेज़ यहाँ है तो बाघा जतिन उसका डबल से भी ऊपर है, क्योंकि ये इंडियन हिस्ट्री के ऊपर बना हुआ मूवी है, हमारे एक फ्रीडम फाइटर के ऊपर बनी हुई मूवी है। तो इसको अगर आपको थोड़ा सा भी आपने पुश कर दिया, क्योंकि इसमें कंटेंट है, थोड़ा सा भी आपने पुश कर दिया तो ये जो है आग पकड़ लेगी। 20 अक्टूबर को कितने सारे मूवीज आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो बाघा जतिन को सही टाइम नहीं था रिलीज़ करने का, 26 जनवरी में रिलीज़ करना था या 15 अगस्त में। ये जो टाइम स्लॉट है दुर्गा पूजा में से रिलीज़ कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि बंगाल में ही आप 4 मूवीज़ देख लो। अभी एक और मुजीब मूवीज़ आ गई है और एक कोयल मल्लिक का भी एक मूवी आने वाला है, एंड 2 मूवी और है, एक है दशम अवतार एंड रक्त बीज, और भी बहुत सारे मूवीज़ आने वाले हैं। एंड हिंदी में तो आप पूछो मत, तेजस आने वाला है आपका, लियो आने वाला है, देन उसके बाद गणपत मूवी आने वाली है, गोस्ट मूवी आ रहा है, और अभी न जाने और कितने पिक्चर आने वाली हैं। तो आप सोच भी नहीं सकते इतने सारे पिक्चर आ रहे हैं, उसके बीच में ये बाघा जतिन को एक्सपोजर कैसे मिलेगा। प्रमोशन से मिलेगा, बट प्रमोशन का कोई अता पता नहीं है। तो सबसे पहले देव एंटरटेनमेंट की टीम आपको फोकस करना चाहिए प्रमोशन में। ट्रेलर आ गया, प्रमोशन कर लो आप। अब यूट्यूबर्स के साथ इंटरव्यू करो, मीडिया हाउसेस के साथ इंटरव्यू करो। आप जितने ज़्यादा इंटरव्यू करोगे आपके पास चांसेस ज़्यादा होंगे मूवी को जो है आगे पहुंचाने के पैन इंडिया में, क्योंकि आपका तो मेन मकसद है हिंदी ऑडियंस को अट्रैक्ट करना, बंगाली इंडस्ट्री, बंगाली कल्चर, बंगाली मूवी, एंड हमारे दल फ्रीडम फाइटर बाघा जतिन के बारे में लोगों को बताना। तो उसके लिए आपको प्रमोशन करना पड़ेगा, एंड प्रमोशन तभी होगा जब आप इंटरव्यूज़ करोगे, आप रैली निकालो, आप पब्लिक में जाओ, लखनऊ में जाओ, आप दिल्ली में जाओ, आप मुंबई में जाओ, आप हैदराबाद में जाओ, बट आप ज़बरदस्त प्रमोशन करो वहाँ जाकर। आपको कुछ नहीं करना, जैसे आपने ऑडियो लॉन्च में किया था, एक होर्डिंग लगाया, LEDs लगाए, आपने वहाँ के ऑडियंस को बुला के आपने प्रमोशन कर दिया।
एंड कुछ मीडिया हाउसेस को इनवाइट दे दिए जो कि ज़रूर आएंगे। तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, अगर हम इतना भी करते हैं तो बाघा जतिन को हम हिट बना सकते हैं एंड ट्रेलर भी बहुत जल्दी आने वाला है, ये अपडेट मैंने आपको दे दिया। सो जितने भी देव के फैंस हो इस वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देव के अपकमिंग मूवीज़ के ऊपर भी मैं बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूँ। प्रधान के शूटिंग अपडेट एंड कब रिलीज़ होगा, मानुष के ऊपर जो जीत का आने वाला है उसके ऊपर भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ। तो बहुत सारे मूवीज़ के मैं लाने वाला हूँ टॉलीवुड इंडस्ट्री से स्पेशली।